दोस्तों Realme 3 Pro के बाद Realme अपने इसी फोन के सक्सेसर Realme 4 Pro के ऊपर काफी जोरों शोरों से काम कर रही है, जो कि इंडिया में और ग्लोबली काफी जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस, प्राइसिंग, रिलीज डेट और इंडिया में ये फोन कब तक लॉन्च होगा। सो माय नेम इज राहुल एंड यू आर वॉचिंग HumTech, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपको लगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करें डिस्प्ले की तो 6.5 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सैमसंग अपने सभी स्मार्टफोन में प्रोवाइड करता है। इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अप्रॉक्स 90% के ओवर बताया जा रहा है, जो कि कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ आएगा, और जिसमें कि आपको 16 मिलियन कलर पिक्सल्स का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन 1080x2340 है, जिससे कि आपका पिक्सल डेंसिटी काफी क्लियर कट देखने को मिलेगा और एक अच्छा स्क्रीन का डिस्प्ले आपको देखने को मिल सकता है, जो कि के एक्सपीरियंस को काफी इनहेंस कर देगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इन डिस्प्ले ही होगा। अगर इन डिस्प्ले होता है तो आपको एक सुपरसोनिक फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले का सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो एज यूजुअल बैक में ही आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल सकता है। देखते हैं रियलमी अपने इसी स्मार्टफोन के साथ क्या करती है। बात करें अगर फ्रंट कैमरे की, जो कि इंडियन यूजर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम में, क्योंकि सारे यूजर्स अभी सेल्फी कैमरास को ही ज्यादा पसंद करते हैं, तो 32 MP का कैमरा रियलमी 4 प्रो में आपको देखने को मिलेगा, जो कि बेहतरीन कैमरा माना जा रहा है, क्योंकि पॉपअप सेल्फी के कैमरा काफी अच्छा रेजोल्यूशन के साथ आता है, जो कि AI बेस्ड भी होगा और ऑटो फोकस भी होगा, जिससे आपका फ्रंट कैमरा का एक्सपीरियंस एकदम से जबरदस्त होगा। सो देखते हैं Realme 4 Pro का ये कैमरा आपको कितना एक्सपीरियंस दे पाता है। फ्रंट कैमरा का जो लेंस होगा वो सोनी का IMX586 वाला लेंस होगा, जैसा कि OnePlus 7 Pro के रियर कैमरा में दिया गया था। Realme 4 Pro में आपको डिजाइन काफी प्रीमियम मिलने वाला है, क्योंकि एक प्रीमियम लुक के साथ ये फोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। इसका बैक में आपको एक पॉलीकार्बोनेट के बदले एक प्रीमियम ग्लास का बैक मिलेगा, जो कि काफी ट्रांसपेरेंट है, और देखते हैं ये फोन क्या Redmi k20 Pro के लुक से बेहतरीन लुक दे पाता है या नहीं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको Realme का स्मार्टफोन सबसे अच्छा लगता है या फिर Redmi का। बात करें इसके रियर कैमरा की तो ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट इसमें देखने को मिल सकता है, जिसका रेजोल्यूशन होगा 48 MP प्लस 16 MP प्लस 5 MP। जो 5 MP कैमरा होगा वो डेप्थ सेंसिंग के लिए यूज किया जाएगा, और जो 48 MP कैमरा है वो मेन कैमरा होगा, जो कि AI बेस्ड कैमरा है, जिसका परफॉर्मेंस एब्सोल्यूट फैंटास्टिक होने वाला है। 48 MP वाला जो कैमरा है उसका लेंस जो है वो सोनी के IMX586 से ऊपर का ही रेजोल्यूशन देखने को मिल सकता है, जैसे कि OnePlus 7 Pro के फ्रंट कैमरा में देखने को मिला था, बट अप्रोक्सीमेटली उसका लेंस कितना होगा ये कह पाना भी मुश्किल है। बात करें अगर प्रोसेसर की तो क्वालकॉम के 730 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इसमें देखने को मिल सकता है, ऐसा ये न्यूज में बताया जा रहा है, और जो सीपीयू होगा वो 2.2 GHz का ऑक्टा कोर सीपीयू इसमें दिया जाएगा, ताकि वो बैटरी को काफी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज कर सके और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पावर इफिशियंसी बैटरी मैनेजमेंट के साथ। तो देखते हैं Realme 4 Pro में क्या 730 का प्रोसेसर मिलता है या फिर 730Z का। आपको कौन सा प्रोसेसर बहुत बढ़िया लगता है इस फोन के लिए, 730 या 730G, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बात करें बैटरी की, जो कि आज के बिजी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है कि स्मार्टफोन यूजर्स के लिए, तो करीबन 4000 mAh का बैटरी आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ में एक अच्छी न्यूज ये है कि 20W का फास्ट चार्जर वोक 3.0 के साथ, जैसा कि रियलमी से एक्सपेक्टेड था, इस फोन में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके बैटरी को इंस्टेंट हाफ एन आवर के अंदर ही चार्ज कर देगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है एक हेवी यूजर्स एज वेल एज एक नॉर्मल यूजर्स के लिए। बात करें प्राइसिंग की तो 17,000 to 20,000 के अंदर इसका प्राइसिंग बताया जा रहा है, और ये Realme 4 Pro मेरे अकॉर्डिंग गारंटी Redmi k20 Pro को काफी अच्छी टक्कर देगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बात करें इसके रिलीज डेट की तो इंडिया में अभी तक इसका कोई भी कंफर्म रिलीज डेट नहीं आया, बट Redmi k20 Pro के लॉन्च के बाद ही देखते हैं ये Realme अपना Realme 4 Pro इंडिया में जरूर लॉन्च करेगी, जो कि एक सक्सेसर है Realme 3 Pro का। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो अ लॉट। सो तब तक के लिए बाय बाय।